हम हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करते हैं ताकि सभी काम एक निश्चित समय पर पूरा हो जाए। इस कार्य में हमारी सहायता करती है घड़ी, जिसे हम वॉच या क्लॉक कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम समय कैसे देखते थे? उस समय सूर्य के प्रकाश तथा सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होने वाली छाया की स्थिति में परिवर्तन द्वारा समय का निर्धारण करते थे। क्या आपने सोचा है कि वॉच तथा क्लॉक में क्या अंतर होता है? वॉच का अर्थ होता है देखना। इंग्लैंड में चौकीदार, जिसे वॉचमैन कहते हैं, इनकी ड्यूटी की शिफ्ट बदलने के लिए घड़ी का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे वॉच कहते हैं। इसमें लगी स्प्रिंग में चाबी भरने से स्प्रिंग धीरे धीरे खुलती है, जिसे स्प्रिंग एस्केपमेंट कहते हैं, और इसी सिद्धांत पे वॉच कार्य करती है। क्लॉक वह डिवाइस होती है जो पेंडुलम की थ्योरी पर कार्य करती है। यह टाइम इंटरवल ज्ञात करने का कार्य करती है। कुछ क्लॉक का निर्माण प्राकृतिक घटनाक्रम जैसे सूर्य की दिनचर्या में होने वाले परिवर्तनों के द्वारा किया गया था। द क्रिश्चियन हाइजिंस 1656 वॉज द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट टाइम कीपिंग डिवाइसेस कॉल्ड पेंडुलम क्लॉक। और इस पेंडुलम की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट क्लॉक का मॉडल 1657 में बनाया गया था। द गैलीलियो गैली द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब द पेंडुलम थ्योरी, बट ही वॉज नॉट क्रेडिटेड फॉर द इन्वेंशन ऑफ द क्लॉक। आप इस प्रकार से देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है, इसे सन क्लॉक कहते हैं। इसमें मार्किंग किए हुए एक आधार के ऊपर एक मेटल की रॉड होती है, जिसकी छाया इस मार्किंग वाली सतह के ऊपर स्पष्ट दिखाई देती है। दिन में जैसे जैसे सूर्य की स्थिति बदलती है, उसके साथ साथ मेटलिक रॉड की परछाई अपनी स्थिति बदलती रहती है, और इस स्थिति के आधार पर हम समय का निर्धारण करते हैं। इसके बाद में कुछ देशों के अंदर सैंड क्लॉक का निर्माण किया गया था। जैसा कि आप इसमें देखते हैं कि इसमें कांच के बने हुए दो बल्ब होते हैं, जिसमें ऊपरी बल्ब में मिट्टी को भरते हैं, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे ऊपरी बल्ब से नीचे के बल्ब में आती है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि ऊपर के बल्ब में मिट्टी के पूरा नीचे आने में 1 घंटे का समय लगता है, तो जैसे जैसे ये खाली होता जाता है, हम 1 घंटे का निर्धारण कर लेते हैं। जैसे ही यह ऊपर का बल्ब पूरा खाली हो जाता है, इस यंत्र को हम उल्टा कर देते हैं और पुनः 1 घंटे का निर्धारण कर लेते हैं। कुछ देशों के अंदर पानी के फ्लो के उपयोग करते हुए वाटर क्लॉक का निर्माण किया गया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लेप्सिड्रा। द आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए बॉल टेक्स ए पर्टिकुलर टाइम जोन विच इज डिटरमाइंड बाय द डिवाइस। इसमें एक बर्तन के अंदर पैंदे से कुछ ऊपर एक छिद्र होता है, जिससे पानी एक निश्चित फ्लो के साथ में बाहर निकलता है। बाहर निकलने वाले पानी के आयतन को समय के साथ में को रिलेट करके इस प्रकार की घड़ियों का निर्माण किया गया था। इस प्रकार की वाटर क्लॉक का उपयोग 1417 से 1379 बिफोर क्राइस्ट इजिप्ट के अंदर इन घड़ियों का उपयोग करते थे। समय के बदलने के साथ साथ जैसे विज्ञान में खोज होती गई, घड़ियों के अंदर भी इवोल्यूशन होता गया, और उसके बाद में मैकेनिकल क्लॉक का युग आ गया। मैकेनिकल क्लॉक को पूर्व समय में होरोलोजिया कहते थे। द होरोलोजिया नेम वॉज यूज अर्लियर फॉर द मैकेनिकल क्लॉक एज इट मेजर्स आवर्स। आफ्टर द इन्वेंशन द वर्ल्ड क्लॉक एरोज विच वॉज टेकन फ्रॉम द क्लोका विच मीन्स बेल। क्योंकि इसको जब एक निश्चित समय के पश्चात इसके अंदर धातु की बनी हुई घंटी के समान आवाज आती थी, और उसी घंटी को ध्यान में रखते हुए क्लोका से बना हुआ ये वर्ल्ड क्लॉक। पुराने समय में इटली के अंदर जितनी भी घड़ियां होती थी, उन सभी घड़ियों में जो डायल है, उस डायल में 1 to 24 तक मार्किंग की जाती थी। परंतु आज हम देखते हैं कि हमारी क्लॉक के अंदर और वॉच के अंदर
1-12 मार्किंग होती है। अरब कंट्री के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक की डिस्कवरी हुई थी। द मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स मेड ए एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक फॉर यूज इन द मॉस्को, क्योंकि नमाज पढ़ने के समय एक निश्चित समय के अंदर जब नमाज को पढ़ा जाता है तो उस समय समय के निर्धारण करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक को मस्जिद में काम में लेते थे। द इस्माइल अल जजारी ए मुस्लिम मैकेनिकल इंजीनियर ऑफ दैट टाइम कंस्ट्रक्टेड ए क्लॉक इन द 1206। अबू रायान बिरूनी इन द 11th सेंचुरी, मोहम्मद अबी बकर 13वीं शताब्दी में तथा इब्न अल शातिर ने 14th सेंचुरी के अंदर इस प्रकार की क्लॉक का निर्माण किया था। ये क्लॉक जिसके अंदर मैकेनिज्म के रूप में स्प्रिंग को काम में लेते हैं उसे स्प्रिंग क्लॉक कहते हैं। आप इसमें देख पाएंगे कि किस प्रकार से मेटल को कॉयल करके एक स्प्रिंग बना दी जाती है, जिसको जब उसमें चाबी भरते हैं तो यह स्प्रिंग है उसमें वाइंडिंग हो जाती है, एक तनाव उत्पन्न होता है, समय के साथ साथ एक निश्चित समय के साथ इसके अंदर रिकॉइलिंग होती है और इस रिकॉइलिंग में लगने वाले समय के द्वारा टाइम का निर्धारण किया जाता है। जर्मनी में इस तरह की काफ़ी घड़ियों का निर्माण किया गया था। इसे एंकर एस्केपमेंट कहते हैं। एंकर एस्केपमेंट वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट हुक इन द 1657। जैसे जैसे घड़ियों में और एडवांसमेंट होते गए और नई मैकेनिज्म का विकास होता गया, इनमें से एक मैकेनिज्म है फ्लोटिंग बैलेंस एस्केपमेंट। इन द अर्ली 1950 द फ्लोटिंग बैलेंस एस्केपमेंट वाज यूज्ड इन द मैकेनिकल क्लॉक। इसमें एक व्हील होता है जिसके दोनों ओर दो बॉल बियरिंग लगे रहते हैं, जिसमें यह व्हील एक निश्चित समय अवधि पे घूमता रहता है जिससे समय का निर्धारण किया जाता है। इट वॉज द एडवांसमेंट ओवर पेंडुलम क्लॉक विद एक्यूरेसी। 1815 शताब्दी के आते आते ही इलेक्ट्रिक क्लॉक का युग प्रारंभ हो गया था। फर्स्ट इलेक्ट्रिक जो क्लॉक थी, जिसे फ्रांसिस रोनाल्ड ने बनाया था, इसमें ड्राई बैटरीज का उपयोग किया गया था। द डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक वॉज पेटेंटेड बाई द एलेक्जेंडर बेन इन 1840। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेंडुलम की थ्योरी पे काम करती है। हम जानते हैं कि जब किसी कॉइल्ड वायर में इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी के आधार पर इसमें पेंडुलम को बनाया गया। फिर एक समय आया 1880 के आसपास, जिसे हम क्वार्ट्ज घड़ियों का युग कहते हैं। इसमें पेंडुलम के रूप में क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज का उपयोग किया जाता था। द क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज हैज पीजो इलेक्ट्रिक नेचर वॉज डिस्कवर्ड बाय जैक्विस एंड पियरे क्यूरी इन द 1880। एलेक्जेंडर निकोलसन डिस्कवर्ड फर्स्ट क्रिस्टल ऑसिलेटर विच इज यूज इन क्वार्ट्ज वॉच। फर्स्ट क्वार्ट्ज क्लॉक वॉज बिल्ट बाई वॉरेन एंड हॉर्टन इन द 1927। हम देखते हैं कि आज अगर हमारे जीवन के अंदर ये घड़ियाँ, वॉच या जिसे हम क्लॉक कहते हैं, वह नहीं होती तो हम हमारे जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाते। आज दुनिया के विभिन्न देशों में अलग अलग ब्रांड्स की घड़ियों का निर्माण किया गया है, जिसमें से कुछ को हम यहाँ देख पाएंगे। ये रोलेक्स कंपनी, यह रोलेक्स एक लंदन बेस्ड मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसकी स्थापना 1905 के अंदर की गई थी। हबल्ट कंपनी, यह स्विट्जरलैंड की एक विख्यात कंपनी है जिसे इटालियन कार्लो क्रोको ने स्थापित किया गया था। पटेक फिलिप भी एक जेनेवा बेस्ड एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1839 में की गई थी, जिसके संस्थापक एटोनी पटेक एंड एंड्रियन फिलिप थे। रोजर ड्यूबिस, इट इज आल्सो ए जेनेवा बेस्ड कंपनी। द कंपनी वाज एक्वायर्ड बाय रिचमंड ग्रुप। आप सभी ने ये जो लाभदायक जानकारी को सुना है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।